हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस संदेश को समझने के लिए। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, वीडियो को पूरा देख लेना। आज के इस समय में बहुत से लोग सताए जा रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण। किसी न किसी घर में एक न एक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। भाई विश्वास करता है मगर उसके घर वाले विश्वास नहीं करते हैं। इसके कारण उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है। यदि पत्नी यीशु पर विश्वास करती है और पति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो पति अपनी पत्नी को डांटता है। तू क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करती है, क्यों चर्च जाती है, तू क्यों यीशु का नाम लेती है, ऐसे करके उसे मारता है, पीटता है। अगर किसी घर में कोई भाई या बहन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो घर वाले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो घर वाले उन्हें डांटते हैं, मारते हैं, घर से अलग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। चर्चों पर हमला हो रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, चर्च को तोड़ रहे हैं। इस प्रकार लोगों को सताया जा रहा है। किसी गांव में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उन्हें गाँव से निकाल दिया जाता है। गाँव वाले उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। यदि आपको आपके घर वाले सता रहे हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर के वचन को याद करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कोई आपको परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप चुने हुए हो, आप उस नर की आग से बच गए हो। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम मेरे कारण सताए जाते हो तो तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। यीशु ने कहा है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, मेरे कारण तुमसे बैर रखेंगे। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। अभी यीशु मसीह के लिए दुख तकलीफ सह लो। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देगा, आपको स्वर्ग का जीवन देगा, अमर जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होता है। यशाया 66 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर करते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमसे अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़े। परमेश्वर ने साफ कहा है मेरे नाम के कारण तुम्हारे भाई तुमसे बैर रखते हैं और मेरे कारण तुम्हें अपने घर से अलग कर देते हैं। यहोवा की महिमा करो, जय जयकार करो, किसी मनुष्य से मत डरो क्योंकि उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में डालने का अधिकार दिया गया है। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए गिड़गिड़ाते चले जाएंगे। पर तू इन सब बातों से जो तूने सीखी है और प्रतीति की है यह जानकर मजबूत बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो लोग आज मसीही लोगों को सता रहे हैं उन्हें परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में लहू ही पिलाएगा, बहुत तड़पाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर 7 साल के लिए वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नरक जाने से क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर आपको नरक में फेंक देगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा, कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए, आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था अवसर को बहुमूल्य समझो, आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देखकर अपना जीवन मत व्यतीत करो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, उस व्यक्ति को नहीं चुना है। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय आ पहुंचा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, यीशु साफ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है, जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर तब वही लिस्ट खोलकर आपको दिखाया जाएगा, तब वहाँ कोई क्षमा नहीं होगी, वहाँ केवल न्याय किया जाएगा और उसी न्याय के आधार पर आपको नर्क में डालेगा। स्वर्गदूत घसीट कर आपको नर्क में फेंक देंगे।
इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर। आज लोग यीशु मसीह को खिलौना बनाकर रख दिया है कि यीशु ही है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, तब आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे। यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे लात मारकर नीचे फेंक दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था। आज वही शैतान हर स्थानों पर अपनी जगह बनाकर बैठ गया है, जैसा लिखा है यशायाह की पुस्तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जात को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। परमेश्वर ने उसे इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा। परमेश्वर ने उसे करूब के रूप में रचा था। वह अपनी सुंदरता के कारण और पद के कारण घमंड से भर गया और वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। मगर परमेश्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था, मगर वह परमेश्वर है और उसे और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने पृथ्वी पर से फेंक दिया था पृथ्वी पर। और वही सेनाएं आज दुष्ट आत्माएं बन गई हैं। और उस शैतान को गिरने से पहले एक नाम दिया गया था और उसका नाम लूसीफर है, और उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, जिसे प्रकाशित वाक्य के 20:14-15 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हैं, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और सांसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, तो उसे स्वर्गदूत उठाकर आग की झील में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे। फिर उसे वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। इसलिए बाइबल पढ़ो, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पढ़ो। अगर यहाँ पर कोई रह जाएगा तो उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के दिन में उस 7 साल में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उस 7वें स्वर्गदूत पर यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकाशित वाक्य 16:4-8 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। जिन नल से पानी निकालते हैं, उस नल से खून निकलेगा। नदियों में, झीलों में, तालाबों में चारों ओर लहू मिलेगा। पानी की जगह आपको खून पीना पड़ेगा। पानी के मारे आपकी जीव बैठेगी, इतना हाहाकार मचेगा इस पृथ्वी पर। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था और जो न्यायी है, तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तुमने उन्हें लहू पिलाया है, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीहियों को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, लहू बहाया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं देते हैं, सबको लहू पीना पड़ेगा, खून का बदला खून। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मसीह विरोधी के दिन में इस सूरज को परमेश्वर आग का गोला बना देगा। इतनी हार्ड तपन दोषनी फेंकेगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलसेंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, और मौत मांगोगे मौत भी नहीं आएगी। इतना तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हाल होगा, बचा लो अपने आप को नरक जाने से।